तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। मैं जी मैं मानता हूं गलती मेरी है, जो कुछ भी हुआ सारा कसूर मेरा ही है। इसलिए मैं आप क्या कि आज हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। मियां जी हम सब इसकी तरफ से माफी मांगने आए, लेकिन जमान भाई तो रानी का रिश्ता तय कर चुके हैं। वो भाड़ में डाले, मेरा मतलब है भाड़ में डाले उस रिश्ते को मियां जी। हमारे बच्चे को देखे, इसका मुंह देखे, इसका शर्मिंदा होके बैठा है। ओए मुंह ते कर, देखे मियां जी गलती किससे नहीं होती। जमान पहन से भी गलती हुई थी, सबने माफ कर दिया, इस बेचारे को भी माफ कर दें मियां जी। ऐसे खामोश तो ना बैठे ना मियां जी, कुछ तो कहें। आप माफ कर दें, रानिया से भी माफी मांगूंगा। हाँ ना मियां जी, और हनी से जो रिश्ता तय हुआ है भाई उससे भी इनकार कर दिया। हनी तो हनी वाला तो वैसे ही ड्रामा था ना सब मियां जी, आपको तो पता ही है। मेरी तरफ से तो शुरू दिन से इनकार है उसको। और मुझे बजाय ड्रामा था, एनी भी इमरजेंसी नहीं है कि मेरे पास समान अंकल की तरह ये बड़ा आलीशान घर, बहुत सारे पैसे, बड़ा सा बिजनेस, ये सब तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मियां जी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, अपने बलबूते पे कुछ करूंगा, कामयाब होऊंगा। प्लीज मेरी बात मान ले, रानिया को मुझसे दूर मत करें। मैं जे मान जाऊं तो जमान को कौन समझाएगा भाई, हैं? ते यार पिंडलियां में बड़ा दर्द हो रहा है, सेहत दबाव। जी 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 जी। अरे मियां जी आप अगर उनको कुछ कहेंगे तो वो मना थोड़ी करेंगे, आपकी बात वो कैसे टाल सकते हैं। तुम्हें समझना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है दुनिया में। हाँ तो किसने कहा है रिसर्च करें मेरे पे? यार रानिया तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। आपको तो है ना, तो जाकर उनसे कहें कि आज से आपको अपनी बेटी समझें। लहौला वाला कुवत तो आप ना करो। फीलिंग्स की कौन बात कर रहा है, मैं तो अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। आपकी फीलिंग्स आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, बात बात पर ईगो हर्ट हो जाती है और आवाज उठाते हैं तो सिर्फ अपने हक के लिए, कुछ भी करते हैं तो सिर्फ अपने वजूद के लिए, अपने फायदे के लिए। मुझे आप जैसे इंसान पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। आई समझ भाई, तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? जी मैं आपके बारे में ऐसा ही सोचती हूँ और ये राय नहीं बदलेगी। तेरी ही वजह से मुझको कहीं भी ना जानते।
हाय राबे। अरे वाह, तुमने तो पहचान लिया। मुझे लगा था कि भाई की तरह तुम हम सबको भी भूल गई हो। तुम्हारे भाई से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, मगर तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हारे साथ तो गहरा ताल्लुक है। फिर से खुद से झूठ बोल रही हो ना, बस कर दो रानिया। भाई से तुम्हारा जो ताल्लुक है ना, वो हम सबको देख रहा है। लेकिन तुम दोनों अब तक अपने हिस्से की हिमाकतें करके इस ताल्लुक को खराब करने पे तुले हुए हो। तुम्हें पता है भाई ने तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए झूठा रिश्ता तय करवाया। और उधर तुम्हारे वालिद साहब, वो तो पिक्चर में विलन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आ गए। कम ऑन यार रानिया, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें पता है आज से पहले भाई को इतना परेशान कभी भी नहीं देखा जितना वो दुखी अब है। अगर तुम दोनों का यही बिहेवियर रहा ना, तो भाई की पक्की वाली मंगनी हो जाएगी हनी से। जबकि मैं ये बात कंफर्म कर चुकी हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए कर रहे हैं रानिया। अपनी अना तक की परवाह नहीं कर रहे वो, और सबसे माफिया मांगते फिर रहे, और तुम उन्हें माफ भी नहीं कर पा रही। इतनी बेहस हो गई हो तुम रानिया। तुम हमेशा सबके मसले हल करती हो ना। आज मैं अपने भाई के लिए कह रही हूँ, तुम मेरे भाई का मसला हल करो प्लीज। बेबो, आप कब आई? और कौन कौन आया आपके साथ? कोई भी नहीं आया फिलहाल तो। मैं आई हूँ पार्लर का बहाना करके तुमसे मिलने के लिए, और ये पूछने के लिए कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो। आप बताएं क्या करूं मैं? अरे माफिया मांग मांग के थक गया हूं, लेकिन रानिया माफी नहीं कर रही। उसको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी और धोखेबाज इंसान हूं। आप ही बताएं मैं क्या करूं। माहिर, बात ना अब रानिया के हाथ से निकल चुकी है, मगर कुछ भी हो जाए ना, तुमने उसको हासिल करके रहना है। लड़के हो तुम, इतना दमखम तो होना चाहिए ना तुम में। तुम ऐसा करो कि जमान भाई से बात करो। डॉक्टर वासिक का चैप्टर जैसी बंद होगा ना, रानिया को वो खुद ही बना लेंगे। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। थैंक यू बेबो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ हैं। अरे क्यों नहीं, जोड़ी तो सिर्फ तुम दोनों की जचती है। बाहर कहाँ जा रहे हो बेटा? ये बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ डैड, दुआ कीजिए उसमें कामयाब हो जाऊँ। कैसी बातें करते बेटा, ओए मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी। भाई तू मेरा सुखे नंदा पुत्र है, कल्ला कल्ला, और मैं खुद से ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। लेकिन पुत्र मुझे लगता है कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ। आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड, लेकिन इस कमबख्त प्यार का मसला है, ये पता ही उस वक्त चलता जब आप अपने प्यारे को नुकसान पहुंचा चुके होते। क्या बेटा, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि हम सब तेरे साथ हैं। क्या कर ले अपनी दुनिया फतह। महीर कहाँ जा रहे हो? ओहो, पीछे से आवाज नहीं देते भाई, और वो जहाँ जा रहा है ना, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि वो कहाँ जा रहा है, समझी तुम? रबीर, तुम कुछ ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो? मैं तो चाह रही थी गाड़ी की चाबी ले जाए, आखिर को मेरा होने वाला दामाद है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपनी बाइक पे ठीक हूँ मैं। बाय डैड, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह के वाले, जा बेटा अल्लाह के वाले। अंदर चले या घड़ी क्या कर रही है? आए, चला गया वो।
कल जो कुछ सच था वो मैं सब आपको बता चुका हूं। एक छोटी सी शरारत थी बस, मैं मानता हूं मेरी गलती थी, वो गलती मेरे लिए बाद में सजा भी बनी, लेकिन मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। ऐसा ही होता है बेटा, कभी कभी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां हमें बड़े सबक दे जाती हैं। अंकल आप देखें, ये देखें, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। सानिया का हाथ मेरे हाथ में देते। मैं जानता हूं सारा इख्तियार सिर्फ आपके पास है, प्लीज अंकल। मुझे शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो? माफी मांग रहे हो, वो भी मुझ जैसे गुनाहगार से? देखो तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, मेरा अपना खून हो, लेकिन रानिया तो मेरी बेटी है ना, जिसके लिए मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर सका, और अब जब मौका है तो उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं। इसलिए डॉक्टर वासिक का इंतखाब किया, क्योंकि वो रानिया को खुश रखेगा। अंकल आपको क्या लगता है, क्या मैं रानिया को खुश नहीं रख पाऊंगा? आप भी ना बिल्कुल रानिया की तरह है, ना उसे मुझ पर भरोसा है ना आपको। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी स्टेप मदर पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। खामखा उसने मेरी बेटी के साथ दुश्मनी पाल रखी है। अरे अंकल उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, स्वीटी आंटी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर चुकी है, और माजरत से लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेज सकता जहां रोज एक नया महाज खुला हो। डॉक्टर वासिक हमारे जानने वाले हैं, हमारे सिवा उसका कोई नहीं है, हम उसकी फैमिली है, वो हमारी फैमिली है, इसलिए वो ही बेहतर रहेंगे। कल आप एक दफा प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे अच्छा लगा, कम से कम ये बात आंखों में आंखें डालकर तो की। मैं जानता हूं तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। कैसे आगे जाऊंगा अंकल, जिंदगी तो आप मेरी छीन रहे हैं मुझसे। जिंदगी मैं अपनी बेटी की सवार रहा हूं। खुदा हाफिज। पता है रानी, तुम्हें ऐसे उदास देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी शादी से मना कर दूं। खबरदार ऐसा सोचेगा भी मत, बेचारे मामू तो डीडीटी पी के खुदकुशी कर लेंगे। डीडीटी पी के ही क्यों? क्योंकि नींद की गोलियां बहुत महंगी है ना, मामू सोचेंगे जब मरना ही है कम पैसों में मरो। कितनी गलत बात है, बहुत बुरी हो तुम। हाँ शायद। माहिर का फोन आ रहा। जी तो बात करो ना उससे, अब जब अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो अच्छे से एक दूसरे को अलविदा कहो, और फिर वो अपनी जिंदगी हनी के साथ शुरू करे और तुम डॉक्टर वासिक को अपना लो। शायद इस कहानी का यही अंजाम है। उठाओ फोन। डैड तो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है रानिया, मिन्नत समाजत रिक्वेस्ट सब कुछ करके देख लिया मैंने, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उन्हें तो डॉक्टर वासिक के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अगर बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है तो मुझे क्यों कॉल किया? देखो रानिया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे सारे घर वाले मेरे साथ खड़े होंगे, मियां जी और बेबू भी हमारे साथ हैं यार। एक दफा निकाह हो गया ना सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम समझ रही हो? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अपने बाबा के फैसले के खिलाफ जाकर आपसे निकाह कर लूं?
है कि मुझे डॉक्टर वासिक से शादी नहीं करनी। ये भी सच है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। फिर भी मैं अपने बाबा को दुखी नहीं कर सकती। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी तो बहुत बेतबार चीज है माहिर, और मैं किसी बेतबार चीज के लिए अपने बाबा का एतबार नहीं तोड़ूंगी, चाहे फिर सारे घर वाले क्यों ना साथ। सानिया, जज्बाती होके फैसला मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तो हमेशा से जज्बाती हूँ ना, और जज्बाती लोगों के पास ना एक एहसास दिल भी होता है। सारी उम्र मियाँ जी को बाबा की नाफरमानियों पे तड़पते देखा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा मेरी वजह से सारी उम्र बेचैन रहे। आप अनी से रिश्ता जोड़ लें। स्वीटी आंटी जैसी भी हूँ, नहीं उनके जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। फोन उठा ले भांजी, लैंड कर। शुक्र है लैंड कर गए तुम यार, जल्दी पहुंचो इवेंट पे, जल्दी। क्या जान नहीं हुई? फ्लाइट कैंसिल होगी? कराची में बारिश होगी? क्या बात कर रहे हो, इवेंट पे नहीं आ रहे? बोले क्या, टोपी पहनाऊंगा। ये राबिल से बात करो, राबिल बात करो। मुझे नहीं करनी से बात। बात करो ना। नहीं, वो तुमसे बात नहीं कर रही। छेड़े दिल दिया तारा, मेरे कानों में है बजने लगी गिटारा। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। अस्सलाम वालेकुम मिया जी। गल सुन, तेरी गर्दन दे कोई पट्ठे शट्टे ते नहीं खिंच गए हैं? आकड़ी ही लाग रही। ओहो आपा जी, मैं आपकी इस मजाक करने की तबीयत से बड़ा ही तंग हूँ। आफ्टर ऑल आई एम फादर ऑफ ग्रूम। इतना एटीट्यूड तो बनता है ना जी। अला ते इंज कर, तू अपना जो है एटीट्यूड रख, ते असि डांस वेख रहे हैं। दिल विल करता है दिलदारियां, ओ प्यार प्यार करके तो होंगी ख्वारियां। Bangda tu naal mere maar taaliyan, aaj dil diyan saariyan tu thod paaliyan। Bangda tu naal mere maar taaliyan, aaj dil diyan saariyan tu thod paaliyan।
गाने बाजियां ओ बातें तेरी लगती है रंग बाजियां क्या हुआ डर गई क्या डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं म्यूजिक मेरे कानों में है बजने लगी गिटार बंद करो जरा और डीजी कितने डीजी माइक पड़ा माइक पड़ा ठीक है ऑन हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं कहने चाहनी हूं कि जी आज मैंने ते मेरे भरा अनवार अहमद सिद्दीकी ने फैसला किया है कि आज इस खुशी दे मौके ते इस महफिल नू चार चांद लगा देइए हैं गल सुन मैं आज अपने प्यारे पोते माहिर दी एंगेजमेंट दी रस्म अदा करनी चाहनी हाँ अपनी साड़ी प्यारी पोती मेरी चली रानिया दे नाल अपना बुजुर्ग और हमदर्द समझते हैं और मैं भी वाकई इनका सच्चा हमदर्द हूँ हाँ तो आपा जी ने और मैंने इनके निकाह का फैसला किया है हैं जी और इस फैसले में हुन किसी ने लोचना ही तलना की समझे हो रानिया पुत्र माहिर तुमसे सच्ची दिली मोहब्बत करता है समझे हो माजी में जो जाने अनजाने में उसने किया उस पे वो खुद शर्मिंदा है ते माजी नु छड़ो पीछे ते मुस्तकबिल विच कदम रखो आज ही है गल हाँ
ये जो फैसला आपने महीर के लिए किया है ना, इस पर वो सारी उम्र पछताता रहेगा। मैं पूरा घर जायदाद सब अपने नाम करा लूंगी और ये जो आलीशान मेरे घर में सब मुफ्त खोरे रह रहे ना, इनको निकाल बाहर करूंगी। जमान साहब आप भी सोच लें, आप क्या अपनी लड़की को इस कंगले के हवाले करेंगे? माजरत से, लेकिन कंगले तो आप जैसे अमीर ज़ादे हैं जो प्यार की अहमियत नहीं समझते, जिसे समझने में मुझे भी बहुत वक्त लग गया। स्वीटी आंटी, घर छीनने की ख्वाहिश करने से पहले ये देख लें। की है? ये पे उस सब का हिसाब है जो पिछले 20 सालों में आपने दबीर अंकल को अदा नहीं की। ये आपके शॉप की रखवाली करते रहे एक मुलाजिम की तरह। आपने बाकायदा कभी सैलरी नहीं दी और कहती नहीं अपने स्टोर की रखवाली करने के लिए कोई सैलरी लेता है क्या? लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है और जरूरी है। पहले पिछले 20 सालों का हिसाब साफ होगा, फिर कोई बात होगी। हनी, तू मुझसे ऐसे कैसे गद्दारी कर सकती है? मुझे तुम्हें ना अपना लाइफ पार्टनर कहते हुए ना शर्मिंदगी हो रही है। तुमने अगर अमेरिका जाना ना तो जाओ, मैं यहाँ पाकिस्तान में अपनी हनी के साथ रहूंगा। कल सुन सिटी, तू जा साडा पीछा छाड़। चलो असि रस्म पूरी करने, चलो जी आ जाओ आ जाओ। आओ पुत्र। हेलो हेलो, चौधरी रफीक अहमद गुम्मन स्पीकिंग। मियां जी, महीर पुत्र मेरा शहजादा, ऐ मुंदरी तेरे दादा ने मैनू पाई सी, ते हुण तू अपनी दुल्हन नू पवा दे। मेरा पुत्र जिंदा रह, जिंदी रह, तू भी मैं मां सदके या मुंदरी पा। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या हुआ? मुझे आपसे एक अहद लेना है। अहद? ठीक है, मैं हर अहद पूरा करूंगा। ओके? नहीं, मुझे वादा चाहिए। कौन सा वादा? आप वादा करें कि आप मुझे वजीर आजम बनने से नहीं रोकेंगे। व्हाट? वजीर आजम? कबूल है, कबूल है। भाई कहते कबूल है, कबूल है। कबूल है। आखो आखो। अरे पता कह रहे। अरे मान जाओ, मान जाओ। ठीक है, ठीक है, कबूल है। वासिक बेटा, वो मेरी खुशी की खातिर अपनी खुशी को पार कर रही थी, तो मैं। बाबा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उम्र भर के रिश्ते दिमाग के नहीं बल्कि दिल से जोड़े जाए तो हमेशा करना। मैं खुश हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। दबीर, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये जो तुमने एकदम से पैंतरा बदला ना, वो ये सारे हैरान हो गए हैं। तुम तो जानते हो मुझे मजाक करने की आदत है। तो ये तो मजाक कर रही थी है? आइंदा बंदे की पुत्र बन के रहोगी ना? अम्मा जी, मजाक कर रही थी, चले मान लेना इसकी बात, मजाक कर रही थी। अरे ये वाला म्यूजिक नहीं यार, वो वाला। वही तो रोमांटिक मोमेंट लेने दो।
तेरे आने से हो याने बहारा, तेरे आने से हो याने बहारा, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के, तेनु तक दया सारा दिन ओ यारा, तेनु तक मोहल्ले विच वारा। दो मोहब्बत करने वालों को मिलाकर आपने बहुत बड़ा काम किया। आप दिल छोटा मत कीजिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। तेनु ले जावांगा मैं अमरीका, रवांगे स्वीटी जॉन बन के, रवांगे स्वीटी जॉन बन के। तेरे आने से हो याने बहार, तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के। जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के, तेनु तक नया सारा दिन ओ यारा, तेनु तक नया सारा दिन ओ यारा, मोहल्ले विच आवारा बन गए, मोहल्ले विच आवारा बन गए। से मुझको कहीं भी ना जान दे, रखा दिल में मैंने तुझको संभाल के,
आना हो जब भी आना नजरें उतार के तुझे ले जावांगा मैं अमरीका रवांगे स्वीटी जॉन बन के रवांगे स्वीटी जॉन बन के तेरे आने से हो याने बहार दिल नची जावे धक धक के